ऑनलाइन सेवा संगठन बड़ौदा द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि निजी दुकान संचालकों पर ईकेवाईसी बनाने में धोखाधड़ी करने के नाम पर लगाई गई आईपीसी की धारा 420 हटाकर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग की गई। दुकान संचालकों ने बताया कि तहसील बड़ौदा में 24 मार्च 2023 को तहसीलदार बड़ौदा द्वारा निजी दुकान संचालकों के विरुद्ध ईकेवाईसी बनाने में 20 से 30 रुपए लेने का दोषी बताकर आईपीसी की धारा 420 लगाकर जेल भेज दिया गया है। ये कि आरोपी बनाए गए तीनों निजी दुकानदार हैं, स्वयं के व्यय पर दुकान संचालित कर रहे हैं। वे अपना अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ये कि शासकीय योजनाओं के संचालन में मुख्यमंत्री द्वारा सीएससी संचालकों को ही केवाईसी में 15 रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि निजी दुकानदारों को किसी प्रकार की कोई पाबंदी या निर्देश नहीं दिए गए हैं कि प्रशासन द्वारा 15 निर्धारित हैं, जबकि हितग्राही ईकेवाईसी के साथ परिवार आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट व अन्य दस्तावेज की फोटोकॉपी भी करवाते हैं, जो निर्धारित शुल्क से ज्यादा है। ये कि नगर बड़ौदा में सीएससी द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्ड का शासन द्वारा भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि निजी दुकान संचालकों पर ईकेवाईसी बनाने में लेकर संबंधित तहसीलदार से विरुद्ध उचित कार्रवाई करें, अन्यथा की स्थिति में नगर के समस्त सीएससी एमपी ऑनलाइन व निजी दुकानदार संचालक अनिश्चितकालीन दुकान बंद रखेंगे, जिसमें आम जनता को होने वाली असुविधा के लिए स्थानीय प्रशासन उत्तरदायी होगा। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। हमारे बड़ौदा नगर के तहसीलदार महोदय द्वारा जो दुकान संचालक हैं, निजी दुकान संचालक, उनको ईकेवाईसी बनाने के लिए पैसे लेने के जुर्म में 420 की धारा लगाकर जेल में डाल दिया गया है। इसके लेकर आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम उनकी गिरफ्तारी की विरोध करते हैं और उनको तुरंत रिहा करने की मांग करते हैं। मांग क्या थी, किस तरह के उन पर एफआईआर की गई, क्यों की गई FIR? ये मैंने बताया ना कि ईकेवाईसी बनाने के नाम पर जो पैसे ले रहे हैं, शुल्क ले रहे हैं, निजी दुकानदार हैं, निजी दुकानदार अपने स्वयं के व्यय पर दुकान चला रहा है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि ईकेवाईसी बनाने के लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे, पर उन्होंने मनमाने तरीके से तहसीलदार महोदय द्वारा तीन दुकानदारों पर FIR लॉन्च करके 420 का प्रकरण बना के उनको जेल में डाल दिया है। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और संबंधित जो तहसीलदार महोदय है उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। नहीं होती कार्रवाई, नहीं होती मांग पूरी तो क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे और बड़ौदा नगर सहित आसपास के जितने भी कियोस्क वाले हैं, सीएससी सेंटर वाले हैं, एमपी ऑनलाइन वाले हैं, निजी जो दुकानदार हैं, वो सभी अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे विरोध स्वरूप।